तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपने देखा था, रात में मैं यहाँ पे पहुंच चुका था अपने कार शॉपिंग होस्ट के यहाँ पे, और रात में मैं बहुत थक गया, तो भैया से रात तक बहुत लंबी डिस्कशन चली। तो हम बातचीत किए, मैं तकरीबन 2-3 बजे सोया, तो अभी जस्ट 11 बज रहे और मैं सो के उठा हूं। और एके राजपूत का भी कॉल आया है, वो बोल रहा है वो मुझसे मिलेगा, तो हम लोग साथ में मनाली घूमने वाले हैं। और जो हम जब मैं रह रहा हूँ ना, वो लोकेशन है सामने में, जितने आप पेड़ देख रहे हो सारे एप्पल्स के पेड़ हैं, और वो सामने में पूरा अपना मनाली है, ये ओल्ड मनाली है। और वो रहे अपने भैया, हाय कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो। और ये रूम है अपना, बस ऐसे ही नजारे हैं यहाँ के। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे रिवर ब्रिज के पास, एक ही वहीं पे मेरा इंतजार कर रहा है, तो मैं वहाँ यहाँ से पैदल जाऊँगा, थोड़े से ढलान टाइप की है उतर के, फिर उसके बाद पहुँच के फिर आपसे कर मिलता हूँ। मनाली में आपका स्वागत है, और मैं जा रहा हूँ नीचे की ओर, और देखते हैं आज मनाली में क्या क्या घूम पाते हैं। कल तो मैंने देखा था थोड़ा नाइट लाइफ, तो कल मेरा एक्चुअल में क्या हो गया ना, मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया यार। मेरा ट्राईपॉड एक रिवर साइड के साइड में एक बैठने वाला जगह था, मैं वहां पे बैठा हुआ था और मेरा ट्राईपॉड ही गिर गया नीचे यार, वो जाके पेड़ में फंस गया, मैं वो शूट नहीं कर पाया, वो जाके एक पेड़ में फंस गया, नीचे पानी था, वो बीच में फंसा हुआ था। बहुत मशक्कत से भाई साहब, मेरा पूरा ये हाथ यहाँ का कचक चुका है, इसमें बहुत तगड़ा क्रैम्प आ चुका है, उसको निकालने में कम से कम 1 घंटे लगे मुझे ट्राईपॉड को सही सलामत बाहर निकालने में। मेरा जो दिमाग खराब हुआ ना कल, मैं बता नहीं सकता, इसलिए मैंने कल कुछ गुस्से से शूट भी नहीं किया। तो अभी चलते हैं वहां पे। तकरीबन 4 किलोमीटर चलने के बाद मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ इसके पास इधर, और मैंने इसकी बाइक गिरा दी थी, और ये वाली एक टूट गई थी आया ना, और इसका बाइक थोड़ा सा, ये मडगार्ड भी टूटा हुआ था और बाइक में भी कुछ प्रॉब्लम थे, तो ये वो सारी चीजें ठीक करवा रहा है। थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ, कल मैंने इसे कान्हा जी तोड़ ही दिया था, और आज इसको कान्हा जी हटाना ही पड़ा। नया लेंगे आज, वो खंडित हो गया ना, टूटने के बाद बोलते हैं खंडित हो जाता है। खंडित हो गया क्योंकि इसका जो है ना ब्रेक का ऑयल सारा निकल गया है, और यहाँ पे ये खुल भी नहीं सकता, ये नट के ऊपर इसने लगा रखा था, इसलिए इसको खोलने के लिए ये सब करना पड़ा। आगे थोड़ी देर में हम मनाली एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे, देखते हैं। इसकी बाइक ठीक करवा के थोड़ी सी आगे तरफ, मतलब मनाली के गांव घूमने के लिए निकले हैं, और अरे चारों तरफ बस सेब ही सेब पड़े हैं, अलग अलग ब्रीड है सेब की। ये छोटे वाले हैं, मतलब जिसमें वो टाइट वाला गुद्दा होता है ना, जैसे सेब का, हमारे उधर दो कैटेगरी के मिलते हैं, एक टाइट वाला होता है, एक सॉफ्ट वाला होता है, तो ये सारे टाइट वाले सेब है। इधर भी देखोगे ना, उधर ही सेब ही सेब है, देखो कितने बड़े हैं, जितने पत्ते नहीं हो उससे ज्यादा सेब है इसमें। और हम चले जा रहे हैं अंदर, थोड़ा सा जाएंगे तो छोटा सा गांव आएगा, उधर हम थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे, देखते हैं। देखो ये कितने प्यारे हैं ना ये सेब, और पूरा देखो यहाँ पे जितना पत्ते नहीं है ना उससे ज्यादा, देखो देखो कितने प्यारे हैं। अभी ये कच्चे हैं, थोड़े थोड़े पके हैं, और धीरे धीरे और पकेंगे, देख रहे हो आप, देख लो चारों तरफ बस सेब ही सेब है, जहां भी देखोगे ना, देखो ये देखो। और पीछे का ये ऐसा वेदर है हमारा, बहुत प्यारा सा निकल रहे हैं, ये शॉर्टकट रास्ता है, ये सामान बहुत मानी लेके जाएगा। और वेदर देखो, उधर पूरे बादल पड़े पड़े हैं, यहाँ पर कैमरा में सही से दिख नहीं रहा, लेकिन वहां जो है ना पूरा सोच के आए थे कि इस गांव एरिया को हम थोड़ा सा कवर करेंगे, गांव को देखेंगे, यहाँ पे तो गांव गांव ही नहीं लग रहा यार, यहाँ पे टूरिस्ट भरे पड़े चारों तरफ, जहाँ भी देखो। और मुझे थोड़ा सा यहाँ शांति मिलेगी वो शहर के सोर्स से, लेकिन यहाँ अभी चारों तरफ टूरिस्ट भरे पड़े, लोग भरे पड़े हैं, तो हमें कहीं शांति मिली नहीं, पता नहीं कहाँ शांति मिलेगा यार। देखो सेब तो हर जगह है, घर भी तो सीन्स ऐसे है ना भाई, ये दाढ़ी वाड़ी इतनी बड़ी हो गई, अजीब से लग रहा है, पूरा बाल बाल पड़ा हो गया, अजीब सा लग रहा है मैं। और यहाँ पे मंगलवार को है ना, मनाली में कहीं पे भी बार्बर की शॉप नहीं खुली होती, पूरा मनाली में कहीं पे भी आप मंगलवार को बाल नहीं कटवा सकते, तो ये सबसे बड़ा इशू हो गया है। और यहाँ पे घूम रहे हैं, इधर से एक शॉर्टकट सा रास्ता जाता है ओल्ड मनाली के लिए, तो हम वहीं घूम रहे हैं। ये सेब के बगीचों में इतना सुकून है ना भाई, इतना मजा आ रहा है मैं बता नहीं सकता, एकदम नॉइज ही नहीं है कहीं, एकदम लोग हैं बहुत धीरे, मतलब है भी तो बहुत कम आबादी है। और ये फल भी है, ये आपने ये फल कभी ट्राई किया क्या? ये देखो ये कच्चे हैं और ये पक गए हैं, मैंने अभी ये खाया है, मैं अभी भी खा के आपको दिखाता हूँ, ये देखो छोटे छोटे होते हैं ये। अरे मेरे को सभी ने बताया ना, पूछ के आ रहा हूं मैं इधर, ये तो बाइक नहीं ले जाएगा गांव में, थोड़ा अच्छा लगता है, मनाली नहीं जाता। रास्ते को जैसे, और ये हम छोटे से ब्रिज पे पहुंच चुके हैं, पानी फ्लो कर रही है यहाँ पे बहुत अच्छी सी, और मुझे पानी का साउंड है ना इतना अच्छा लगता है,
मुझे पानी का साउंड इतना प्यारा लगता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बता नहीं सकता, मुझे बहुत 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 पीसफुल लगता है। और हमने जो दो तीन दिन यहाँ वहाँ कैंपिंग की ना मीरू में और पैंगोंग में, वहाँ पे मैं हमेशा वाटर के पास ही कैंपिंग करता था, तो इतना मजा आता था, इतना मजा आता था, क्या बताऊँ। सीन्स कुछ ऐसे है भाई, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हिडम्बा। तो अभी रास्ते में आ रहे थे, ये तो हेलमेट पहना हुआ था और मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो पुलिस वाले भाई ने रोक दिया। इसने भी बहुत प्यार से बहुत धीरे से जाके उनके पास रोक दिया गाड़ी। उसके बाद उन्होंने हमारा मतलब डायरेक्ट नंबर देखा और चलान काटने लगे। तो मैंने उनको बोला कि कुछ मैनेज वैनेज कर लो सर ऐसे, तो उन्होंने कोई भी मैनेज वैनेज कुछ नहीं किया भाई साहब, चलान काट दिया 1000 रुपये के। और जब से आया हूँ ना मनाली, कुछ ना कुछ गरा गलत ही हो रहा है। कल मेरा ट्राईपॉड पानी में गिर गया, फिर मैं गूगल मैप्स के चक्कर में रास्ते भटक गया, फिर देख लो इसके चेहरे देख लो, देख देख। तो कल तो पुलिस ने हमारा चलान काट दिया था और मेरा थोड़ी देर के बाद में हम हिडम्बा टेम्पल पे गए और वहाँ पे भी मतलब मेरा फोन डेड हो गया वहाँ पे। उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, तो मैं चले गया वापस अपने होस्ट के पास। तो आज फिर से आया हूँ, एक नया दिन है और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्लाई डाइनिंग मनाली। तो मैं नहीं जाने वाला हूँ, वो जाएगा, एक ही जाएगा, तो मैं उसके साथ में आया हूँ। बस आपको नज़ारे दिखाता हूँ, ये देखो सामने में कुछ ऐसा है, वो वहाँ पे है। उस तार को ऐसे उठा के ऊपर ले जाते हैं, 4000 रुपये की इसकी टिकट है और 45 मिनट के लिए यहाँ पे आप मतलब ये एक एक टाइम। ये रहे जी फ्लाई डाइनिंग की एंट्रेंस पॉइंट, यहाँ से आगे से एंट्री गेट है, कुछ इस तरह से इसकी एंट्री गेट है और मैंने तो आपको कल बताया ही था। 45 मिनट ये देख लो आप पूरा उधर लगाया, और 45 मिनट का एक राउंड होता है, उसमें 4 कोर्स होते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी देखनी है तो आप एक एक वीडियोस देख लो, उसमें उसने पूरा वो किया है ना, तो उसने पूरा डिटेल बताया है। 45 मिनट का होता है और 4 कोर्स मिलते हैं उसमें और डिजर्ट वगैरह होता है, बस यही है और कुछ नहीं।